News 18, India. और हम अफगानिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं और अफगानिस्तान की अवाम भी तालिबान पे प्रेशर डाल रही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए वो दहशतगर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं उनको खत्म किया जाए या पाकिस्तान के हवाले किया जाए। भाईजान आपको पता है इस वक्त मैं और कर्नल सिंह क्या सोच रहे हैं? वो आपने आस्तीन में पाला क्या सर? क्या पाला आपने आस्तीन में? देखिए ये आपकी सोच है ना, आपकी सोच है ना, ये नहीं हमारी सोच नहीं है। अब मैं आप तो भाई पड़ो आप पड़ोसी मुल्क है कमर भाई, और आपने आस्तीन में पाला सांप, हाफिज सईद से लेकर लकवी से लेकर न जाने कौन कौन, और वहाँ आप जान रहे हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज में भी वही सांप आपने पाले थे जो अब आप फन फैला कर फैल गए हैं। अब आपको वो डसने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मानिए ना इस बात को। आप काहे बीच में हिंदुस्तान को लेकर आ रहे हैं? आपका किया कराया है जो अब भुगतना पड़ रहा है। देखें ये जिनको आप सांप कह रही हैं, आपकी हुकूमत ने कहा है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे, आपकी हुकूमत कह रही है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे, एक बात। और ये जो सांप थे ये पाकिस्तान ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उनको फांसी देंगे। हाफिज सईद को ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उनको फांसी देंगे। कर्नल सिंह आपने अफगानिस्तान की बात की है ना, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका पाकिस्तान सऊदी अरब ने मिलकर तालिबान को बनाया था और सारे मिलकर ही उनसे लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका चला गया यहां से। अब हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान तो अपने लोगों से जो इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप है उनसे लड़ेगा ना। अमेरिका और दुनिया छोड़कर चली गई अफगानिस्तान से, हमारा उसमें क्या लेना देना है? लेकिन हम तो उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे आपको एक बात बतानी है कमर भाई, लेकिन उससे पहले कर्नल सिंह अपनी बात रख ले, फिर आपको एक बहुत ईमानदारी से एक बात बताने वाली हूं। लेकिन पहले कर्नल सिंह। नहीं देखिए ये जब तक पाकिस्तान वर्सेस ग्लोबल इस्लाम का जो द्वंद है पाकिस्तान के अंदर में नहीं खत्म होगा, और वो खत्म हो भी नहीं सकता। आखिर ये जितने तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये सब ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं, जो कि ग्लोबल जिहाद में विश्वास करते हैं, उम्मा शरीयत में विश्वास करते हैं, और जो पाकिस्तान मिलिट्री है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने तो इनको ग्लोबल जिहाद के नाम पे लड़वाया था, बहुत साल तक लड़वाया, अभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो जितने लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद है वो कहीं ना कहीं वो लोग भी ग्लोबल जिहाद के नाम पर लड़ रहे हैं। अलग अलग एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिया हुआ है उनको, तो ये द्वंद ये जंग चलती रहेगी। इसका 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 कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं जो देख रहा हूँ ये बात तो सच है, कोई इलाज नहीं है। नहीं नहीं जी, बड़े इलाज हैं, इलाज पाकिस्तान कर रहे हैं। बाकी ये है कि मसले मसाइल रहते हैं। आपके बॉर्डर भी तो म्यांमार से खराब है, कभी आपका मसला श्रीलंका से है, मालदीव से है, म्यांमार के साथ है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं। आपके किस मुल्क के साथ बॉर्डर इश्यूज नहीं है? हमारे भी इश्यूज हैं, ठीक हो जाएंगे। हाँ लेकिन उन इश्यूज में और आपके यहाँ जो इश्यूज है उसमें बड़ा अंतर है ना। इश्यू तो है ना भाई, आप तो ना। नहीं नहीं वहाँ तो चमड़ी उधेड़ रहे हैं, वहाँ पर खड़े खड़े आपके आपकी सेना को, आपके पुलिस वालों को, आपके सिक्योरिटी पर्सनल को उनके उनके गुर्दे छलनी कर दे रहे हैं। वो मसले यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर टेबल पर बैठकर आदमी बात तो कर सकता है। आप सही कह रहे हैं कि किसके बॉर्डर इश्यूज नहीं होते हैं। मैं यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल, आई विल नॉट एग्जैजरेट बाय सेइंग कि नहीं 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 भाई, हमारे यहाँ बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ सब बढ़िया है, लेकिन आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ तो कटखने घूम रहे हैं ना कि देखेंगे और काट खाएंगे। नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें हमारे मामलात थोड़े डिफरेंट इस सेंस में हैं कि ये मजहबी ग्रुप्स हैं और मजहबी ग्रुपों के थोड़े से जो उनके मसाइल डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपका देखें ना, मालदीव्स ने आपकी फौज को कहा निकल जाएं। अरे मेरे के साथ आपके मेरे मुल्क में कमर भाई या हमारे मुल्क में चीजें एटलीस्ट आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। पाकिस्तान में ये आलम नहीं है ना। मैं आपको जो कह रही थी ना किस्सा सुनाने वाली हूँ, वो किस्सा कमर भाई क्या था कि एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी आपस में बात कर रहे थे, तो हिंदुस्तानी ने कहा कि भाई तुम्हें मुझे मुबारक कहनी चाहिए, अब मुझे 75 साल हुए हैं आज़ाद हुए हैं और तुम भी एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं तो तुम भी मुबारकबाद ले लो। तो उस पाकिस्तानी ने कहा भाई तुम्हें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम तो आज भी आज़ाद नहीं हो पाए, हम आज भी ग़ुलाम हैं। तो हिंदुस्तानी ने पूछा भाई कैसे तुम आज भी ग़ुलाम हो? तो उसने कहा पहले हम कट्टरपंथियों के ग़ुलाम थे, फिर उसके बाद हम अमेरिका के ग़ुलाम हुए, और आज जब तुमसे भाई बात कर रहा हूँ तो मैं चीन का ग़ुलाम हूँ।
ये बात तो सच है ना कि पाकिस्तान कभी भी आजाद हो ही नहीं पाया है कमर भाई। पाकिस्तान एक आजाद रियासत है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते हैं। यह जाहिर बात है आपके मुल्क का पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें करें। आजाद रियासत है, हमारे लोग अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, हमारी आवाम फैसले करती है और हम इस आजादी को एंजॉय कर रहे हैं, सॉवरेनिटी को एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, आप जो पाकिस्तान के बारे में कह रही हैं कि जी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, ये आप कहते रहे, जाहिर बात है भारत का यही नैरेटिव है कि जोक भी एक बार के लिए मुस्कुरा जाए कि ये कमर भाई क्या बात कर रहे हैं। कर्नल सिंह, सुना आपने कमर चीमा कह रहे हैं कि आजाद मुल्क है, हम डिसाइड करते हैं, तो डिसीजन ऐसे होता है कि जिस दिन चुनाव है वहां 51 टेररिस्ट अटैक हो जाते, 51 सर। नहीं नहीं, आपकी इनकी आजादी, इनको मुबारक हो, हम तो यही कह रहे हैं, इन्होंने हमारा कहा। हाँ, हमारे जिस कंट्री के साथ बॉर्डर होगा उसके साथ इश्यूज होंगे, लेकिन हमारा म्यांमार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा श्रीलंका के साथ कुछ मैरीटाइम कुछ इश्यूज है, लेकिन हमारा कभी उनके साथ दुश्मनी नहीं रहा है, हमारा नेपाल के साथ कोई दुश्मनी नहीं रहा है। अगर ऐसी बात होती तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, वहां पर तो फौज कभी नहीं रही है। 1643 किलोमीटर, इट्स अ लॉन्ग बॉर्डर, वहां पर नहीं रही है। नेपाल के साथ वह 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पर हमने कभी फौज नहीं लगाई है। तो वो बॉर्डर इश्यूज होते हैं, वो तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच में भी बॉर्डर इश्यूज है, लेकिन इस तरह से अस्तित्व का द्वंद या अस्तित्व का आंतरिक जंग जो आपके यहाँ देखा जा रहा है, और आप जानते हैं आखिर ये द्वंद और जंग ऐसा रूप ले ले कि एक ये जिहादी आपके बच्चों को, फौजियों के बच्चों को इस तरह से सैकड़ों की तादाद में मार दे। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक की बात कर रहा हूं, तो कहीं पर आपको सोचना चाहिए। देखिए, हमसे डिबेट पे आप हो सकता है आपको ये महसूस हो कि मैंने तो सुना दिया, आप जीत गए हम अपनी डिबेट में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप, मैं हमेशा कहता हूं कि कृपया अपने अंदर एक और बड़ी खबर आ गई है, और धांधली की खबर है वो, पाकिस्तान में इमरान की पार्टी का चुनाव में धांधली का आरोप है। पाकिस्तान में वोटों की गिनती में धांधली के आरोप ने एक बार फिर से शुरुआती रुझान में ही उन अटकलों को तेज कर दिया है कि कुछ गड़बड़ है। पीटीआई नेताओं ने लगाए धांधली करने के आरोप, और मतदान खत्म होने के 18 घंटे बाद भी जो नतीजे नहीं आ रहे हैं उसे लेकर भी चिंता प्रकट की है। शुरुआती रुझान में इमरान समर्थक आगे नजर आ रहे हैं, नतीजों में गड़बड़ी करने के लिए वही सारे समर्थक देरी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो कमर भाई, ये अभी सिचुएशन मुझे बहुत ज्यादा बेहतर तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आरोप और एक दूसरे पर प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा। ये जितने भी समर्थक हैं इमरान के, सपोर्टर्स जो मैदान में हैं चुनाव के, वो ये कह रहे हैं कि आप अब तक रिजल्ट्स को क्यों नहीं अनाउंस कर पाए हैं, कुछ तो गड़बड़ी कर ही रहे हैं इसका मतलब। देखिए, ये जारी बात है, ये सवाल इस वक्त जो आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन पे आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्यों इस वक्त स्विफ्टली जो है वो रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सका। और मुझे याद है 2018 के अंदर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जीत रही थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शोर डाल रही थी और वो कह रहे थे कि ये धांधली हो रही है और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। और आज 2023 है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान की पार्टी वो बातें कर रही है और मुस्लिम लीग नवाज खामोश है, पीपल्स पार्टी खामोश है। सो मैंने आपको बताया कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं कभी ऐसे नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट किया हो, ये एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग कमर चीमा साहब। और वो तब तक नहीं होगा, हाँ, और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वहां की सेना, वहां की सरकार, वहां का, जैसे आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, वो सब एक दूसरे से अलहदा होकर देश को नहीं चलाने जाएंगे, एक दूसरे को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हालात यही होंगे। लेकिन एनीवेज कमर साहब, ऑल द बेस्ट, लगातार आपसे हमारा रابطہ ऐसे ही कायम रहेगा। सोचें और देखें कौन आता है अव्वल और कौन एक बार फिर से वहां कुर्सी पर बैठता है, पाकिस्तान चलाता है, क्योंकि कुर्सी पर भले ही कोई बैठ जाए, इलेक्ट कोई भी हो जाए, सिलेक्ट सेना कोई करना है, ये हमेशा पाकिस्तान के बारे में क्लियरली कहा जाता रहा है। कर्नल सिंह और कमर चीमा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए
न्यूज 18 इंडिया के साथ।